शुक्रिया। हमारे देश के जनता हर एक को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नमस्कार, हर एक को राम राम। और आज एक बार फिर तेईबेयन की खबरों से हम आपको खिदमत करने जा रहे हैं। ज़रूर से आप सबों को भी हम ये मुबारकबाद अर्ज़ कर दें, तमाम मुसलमान भाई बहनों को माह रमज़ान की मुबारकबाद अर्ज़ किया जाता है। जी हाँ, और तमाम मुबारकबादी और खुशनसीबी न जाहिर है। माह रमज़ान मुबारक हो। हमारे दोस्तों, तेईबेयन की खबरें यहाँ से आपके नाम पर हम रखने जा रहे हैं। और दोस्तों, आप लोगों के देश के तमाम कारोबार जो है वो हम आप लोग के नाम पर जैसे पड़ेगा वैसे हम रखने वाले हैं। तो देश के जनता, हम आप लोग को बताना ज़रूरी समझते हैं तेईबेयन की खबरों में। आप जानते हैं मिनिस्टर जेरी मिरांडा का जो फैल खैज आमतनार था और उनके साथ गाड़ी में एक औरत आईफी हीरा सिंह, जी हाँ, ये दोनों बहुत बुरी हालत में बरामद हुए और सिपाही अभी तलक इस मामला के छानबीन में है। आप लोगों को हम बता दें कि औरत गाड़ी में मरी हुई मिली और आदमी जख्मी। पहले शक हुआ कि आदमी ने औरत को कत्ल किया, लेकिन बात ही अब अंदर सुख से पता चलेगा कि क्या है। आदमी सिकन हाउस में रहा, बहुत जख्मी, लेकिन अब वो भी देहांत हो गया है। सिपाही कहते हैं कि हो सकता है कि कोई तीसरा, जी हाँ, मामला बहुत गड़बड़ मालूम पड़ता है जनता। जो आप समझ रहे हैं वो बात नहीं है, लग रहा है कि किसी तीसरे ने इन दोनों को ख़त्म किया है। तो हम लोग इंतज़ार कर लें, पोलिटिशियनल अंदर सुख से ज़रूर सामने आएगा कि बात हकीकत में क्या है ना। तो हमने आपके नाम पर यह केस रख दिया। सिपाही कहता है अतिस्नित अयुत खसलौता दतरन दर्द परसोनेस दि देव अमत लेफ खबरा या। तो और आगे जैसे ही मामला रहेगा आप लोगों को ज़रूर बताएंगे हम। हमारे देश के जनता, हम आप लोगों से बताते हैं ये बातें। अब देखो, मिनिस्टर जेरी मिरांडा ओपम्बार वर्का का जो मंत्री है, अब इनको बहुत द्रोह हो गया है या। तो लोक फरकेर्स लेदर जो है, इन लोगों के बॉन्ट वालों ने बोले हम लोग मिनिस्टर जेरी मिरांडा पर से भरोसा खो चुके हैं। लेकिन मिनिस्टर बोल रहा है कि नहीं भाई, आप लोगन भरोसा काहे को खो दियो हो। बोले इस वक्त सरकार उपम्बार वर्क के ध्यान सिर्फ वाटर ओवरलास में है, जनता मुसीबतों में गिरफ्तार है, डूबा हुआ है चारों ओर। और बोले हम लोगन वाटर ओवरलास पर काम करीला। एन हमारे देश के जनता, द मिनिस्टर फन उपम्बार वर्क सख्त दत सही अदबिसंदर द्रुक है बंदार फन वेख द वाटर ओवर लस्त वन आखतन त्वेन तक मैं ही तलक। बोले अबे स्प्रिंगी, मतलब स्प्रिंग फ्लूत रहेगा। तो लोग फरकेर्स लेदर्स, इन लोगों के बॉन्ड वालों से गुजारिश है कि आप लोगन मिनिस्टर जेरी मिरांडा को तनी से मौका दे दीजिएगा। निवत तारीफ उपम्बार फरफूर से नित परमानेंट जॉन महादेव सिंह बोल रहा है एनन देर तक यूली से फिर अंदर हैंडल करेगा वो। नवा तारीफ उपम्बार फरफूर के लिए बोले परमानेंट करैक्टर नहीं है, एन सेफन तलक सेफन तीन तलक इसको अंदाम दिया जाएगा, उसके बाद नवा तारीफ इंट्रोड्यूस शेयर किया जाएगा। द अंदर हैंडलिंग हीरो ऊपर दिखान स्टार्ट ऑफ एन देर तक यूली सेफन तीन। तो हमारे जनता, भला आप बताइए कि ऐसे जब सब कुछ चाहता रहेगा तो होगा क्या?
आप लोगन कैसे भरियो बेसवा के। तो बड़ी मुसीबत है देश के जनता, हम आप लोगन से बताएला और यही सब बातें है जो आप लोगन के नाम पर ना बयान करना चाहिए। आप लोगों को जानना चाहिएगा कि आप लोगन के देश में चलता क्या है। त्वे यार रखेरिंग बाउतर सा अधीन कैन देश बलैत, बोले बलैत के बारे में अब बात ना हो सकी है। हेत स्वान बलैत अमदत हेत बलैत देशास्त्रुसेस सख्त पर्ताई फोर्सेटर फंदेया इन नेखन तख मफराव आंचलिक दल कास्टिलियो। तो देश के जनता, ये तो हम और आप भी जानते हैं ना, हाँ हम और आप भी जानते हैं कि देश के हालत बहुत खराब है, देश के हालत ये है, देश के हालत वो है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब एक दूसरे को दोषी ठहराने से हम लोग अपलोसिंग ना पा सकते हैं। गौर करने हैं आपको इन बातों पर, या काहे खात अमदात अपलोसिंग के तरफ हम लोगों को हाथ बढ़ाने हैं। वही मुतवर कानन अपलोसिंग नारल कार द फिंगर टू वैसा दत ब्रंग थी अपलोसिंग हमारे देश के जनता। अरे संदेश रास्त्रुष देश रास्त्रुष बलाई थे सर, हाँ द प्रेसिडेंट हिफ सेल्फ खसख दत है अटलांत एन रोमल हिफ कमाक फन अटलांत दताती तो हो खले से इन द क्रांता दोस्तों। लेकिन अपलोसिंग चाहिए ना, सरकार अगर देश चला नहीं पाता है तो उसको जनता को बागदौर फिर वापस कर देना चाहिए। लेकिन कौन करेगा वापस भैया, जबर जबर पैसा जोन मिले है ना। वेख ऑथोरिटेट बेसखमत वेखिंग फ्रख्त वाखंस, बोले आलसता मैं लेख को बुता बोफ 30,000 एसआरडी वर्द अपखलेख फ्रख्त वाखन बस्तूरदर्स वोंसदाग को आफो बाका वेख मास 55 पर खड़ा किया जाता था ना, वेख ऑथोरिटेट और सिपाही के जरिए से फ्रख्त वाखन सबन वेगी करे था वेख करत रह ले, वेख ऑथोरिटेट ही बात करत रहा। बोले चाही एगो बपाल खवेख्त रहे के, बोले कि ना हम मिनिस्टर जेरी मिरांडा ये बात बोले हैं, वेख ऑथोरिटेट बफुख्त इंस्टांसी है और हम लोग अब सही दरे पर आ करके पहुंचे हैं इस सब बात को अनपक करे के। हेत मक्सिमाल तुखस्तान स्नल हैत अखवेख सॉरी बे डबेत इस फास खस्तल तो अख्तन, मिरांडा बोले है ये प्रॉब्लमों और जोर से चाहिए अनपक करे क्योंकि लोग हबड़ा कर देते हैं। हाँ खवेख जब तू हबड़ा करियो भैया ना तो रास्ता टूटेगा। मिनिस्टर बोले हैं हम लोग अब इस पे गौर करेंगे और ओफर बलाद जो फ्रख्त वाकंस रही उनको रपोर्टेर किया जाएगा, बूटू ही बूटू मारेंगे हम लोग वन दित का निमेर। या हमारे देश के जनता, ये सब बातें आप लोगों के नाम पर बयान करना जरूरी है और इसलिए जरूरी है क्योंकि कितने त्रुक हौदर है जो ना, कितने त्रुक हौदर है हमारे दोस्तों जो बहुत ज्यादा लादले हैं सेंड ओवर बलाद और रास्ता टूटे है। हाउ त्रुक्स ना डैंग टू ऑन द हाउ त्रुक्स जो इतना गंभीरता से लदल रहे हैं भैया, इन लोगों पर भी आप लोग गौर करें। देश के जनता वेख ऑथोरिटेट अब त्रुकवन के नापे हैगा और ये सब बातें आप लोगन के नाम पर रखना जरूरी है ना, क्योंकि इतना रास्ता टूटल जात है ये वो। भैया हम आप लोग से बताएला बहुत मुसीबत है आप लोगन के देश के अंदर में भाई, और पता ना है एक औरत कहाँ जात रहा भैया, रास्ता पर से हटल है मास्क उड़ाया और वो तो लेकर के घुस गई है गोत्रों में, वो तो चेहरा देखे लायक के ना। पता ना है आप लोगन कब तलक ऐसे चलाते रहियो गाड़ी, बहुत मुसीबत है हम बताइला। और आप लोगन इस सब बात पे गौर करबेन करो है यार, जे के देखो ते ही गाड़ी लेके उल्टल करेगा
तो देश के जनता इस सब बातें आप लोग के नाम पे हम रख दे ली है। हारियत रामदीन प्रेसिडेंट देसी बाउतर से सवाल करे है कि ये प्रेसिडेंट खरातस में इधी सरख का कर ले तू, टॉयलेट में डाल के स्पूल कर दे ले का, तो ही तो जनता के फर्किसिंग के दौरान ये वादा करे ले प्रेस प्रेसिडेंट बाउतर से कि तू नल तो सीन यार पुरानियन को खरातस दे तो का हुआ, सब गया तेल लेने क्या। तो देश के जनता आज के लिए इतना काफी है। तेबियन के खबरों में ये बातें आपके नाम पर बयान हुए। एक और बात हम आप लोग से बता दें कि इस बरस के अंत तक मतलब 6 महीना के लिए बास सौरख के कार्ड सरकार फरलेंग करवा दी से, ओकर बाद में नवा बरस में क्या होगा ये खुदा और बढ़िया से जानेगा। बढ़िया से रहियो, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार हर एक को, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगा। खुदा हाफिज़।